YouTube चैनल में। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं ब्लॉगिंग के बारे में बताने वाला हूँ। अगर नए यूट्यूबर ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, शुरू शुरू में बहुत दिक्कतें होती है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अपने आस पास में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि वीडियो को देख कर मजाक उड़ाते हैं, आपसे काफ़ी जो है कि मजाक उड़ाते हैं और भला बुरा बोलते हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुमको बोलना नहीं आता है, तुमको करना नहीं आता है, तुम वीडियो शूट नहीं कर पाते हो, ऐसी जो है कि बहुत सुनने को मिलता है अगल बगल से। तो वो सब कुछ आप छोड़ दीजिए, आप अपने काम पे लगिए और अपना काम कीजिए। जब एक दिन आप यूट्यूब पर कामयाब इंसान बन जाएंगे उस दिन आप उन लोगों से पूछिएगा, उसके बाद पता चलेगा। तो मैं भी सुनता हूँ लेकिन इग्नोर करता हूँ, बोलने वाले को बोलने दीजिए, बोलने वाले को कोई कुछ बोल नहीं सकता है। आप अपना काम कीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए। और नए यूट्यूबरों को तो ऐसा दिक्कतें झेलना पड़ता है, मैं भी झेल रहा हूँ अभी भी। मैं अपने जो भी खास है उनको मैं अपना वीडियो नहीं देता क्योंकि वीडियो देखकर मेरा मजाक उड़ाएंगे और मजाक उड़ाएंगे तो मुझे नर्वस फील होगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए मैं अभी अपने करीबी को मैं कुछ वीडियो शेयर नहीं करता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मैं ब्लॉग बनाने के लिए फर्स्ट अपना एक फ़ोन लेना पड़ेगा और फ़ोन से ही आप कोशिश कीजिए धीरे धीरे बोलने के लिए। और कैसे जो है कि अगर कहीं आप जा रहे हैं, आपको कुछ अच्छा दिखाई दिया, अगर आप पब्लिक को दिखाना चाहते हैं तो नॉर्मली आप अगर आप फ्रंट कैमरा से नहीं कर पाते तो पीछे का कैमरा कीजिए और आप बोल सकते हैं, बोल के दिखा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप अगर धीरे धीरे एक दिन दो दिन हफ्ता 10 दिन 15 दिन एक महीना हो जाएगा तो आपको खुद फील होगा कि मैं अब काफ़ी अच्छा से बोल पा रहा हूँ। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, शुरू शुरू में बस दिक्कत झेलना पड़ेगा। तो बस आपका फ़ोन से ही हो जाएगा फिलहाल में, क्योंकि अभी आर्मी यूट्यूब चैनल बनाता है तो कोई गरीब इंसान अगर बना रहा है तो काफ़ी जो है कि पैसों का परेशानी होता है कि उनके पास कैमरा नहीं, स्टैंड नहीं होता है और मेन बात है माइक जो है कभी बहुत महंगा माइक मिलता है तो हम लोग अभी माइक खरीद नहीं सकते क्योंकि हम लोगों के पास उतना पैसा अभी नहीं है, क्योंकि यूट्यूब की तरफ से हम लोग अभी पैसा नहीं मिल रहा है। अभी तो हम लोग काम यूट्यूब पर कर रहे हैं और अभी हमारा जो है कि 2 महीना लगभग हुआ है। मैं चैनल काफ़ी 2 साल पहले मैंने चैनल को ओपन किया था लेकिन अभी 2 महीने से मैं अपना वीडियो लगातार डाल रहा हूँ अपने चैनल पे। तो अभी हमारा भी 100+ सब्सक्राइबर अभी फ़िलहाल में हो गया है तो खुशी होती है देखकर, ऑडियंस का जो कि व्यूज आता है, कमेंट आता है, पढ़ने में मज़ा आता है कि लोगों द्वारा मेरे वीडियो को पसंद किया जा रहा है। तो अगर आप भी नए यूट्यूब बनाना चाहते हैं तो बनाइए, डरिए मत, किसी से शर्माइए मत, क्योंकि अगर आप शर्मा गए तो आपका सपना अधूरा रह जाएगा। सपना को पूरा करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं अभी बहुत मुझे मेहनत करना है क्योंकि आपको पता होगा कि 1 साल के अंदर 4000 घंटा देखना ज़रूरी होता है। अगर 4000 घंटा नहीं देखेंगे तो हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। अगर चैनल मोनेटाइज नहीं होता है तो हम जितना मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो सारा हमारा जो है कि बेकार हो जाएगा। और जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइब भी पूरा करना है। तो जो लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब तक आप घंटी का बटन दबा के आप पे पुश नहीं करेंगे तब तक हमारा वीडियो जो है कि आपको नोटिफिकेशन भी नहीं मिलता रहेगा, नहीं मिलेगा तो फिर आप मेरे वीडियो को देखेंगे नहीं। इसके लिए आप लोग घंटी का बटन ज़रूर दबाइए। तो दोस्तों मैं भी अभी मेरे पास भी कोई सेटअप नहीं है, मैं तो ज़्यादातर खेतों में जंगलों में ये वीडियो बनाता हूँ। आज मैं पहली बार रूम में, अगर इस टाइम मेरे रूम पे कोई है नहीं इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर कोई रहता तो वीडियो बना भी नहीं पाता क्योंकि वो लोग मजाक उड़ाते और मुझे अच्छा नहीं लगता।
तो मैं अभी अपना हॉल में हूँ, इस हॉल के अंदर। और आगे में पूरा मैंने मेन डोर को ताला मार दिया है, इधर भी ताला मार दिया है, तो कोई आ भी नहीं सकता है। और मैं अपने फ़ोन को, मेरे पास स्टैंड नहीं है, तो मैं भी कुछ जुगाड़ किया हूँ, क्योंकि इंडिया में जुगाड़ बहुत ज़्यादा है, जुगाड़ इंडिया फेमस है। तो मैं, एक मेरा टेबल है, मैं अपने टेबल पर एक चेयर रखा हूँ, चेयर के ऊपर अपना फ़ोन रखा हूँ, फ़ोन के पीछे एक सपोर्ट रखा हूँ ताकि फ़ोन बैक गिरे ना। तो इससे ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। और मेरा फ़ोन अगर आप लोग देखेंगे तो मैं एक सिंपल फ़ोन चला रहा हूँ, 8000 रुपये का फ़ोन है, मोटरोला का। मेरा फ़ोन भी काफ़ी सस्ता फ़ोन है, उतना क्वालिटी नहीं है कैमरे का, लेकिन फिर भी मैं बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोगों का प्यार रहा तो मैं जल्दी जल्दी फ़ोन अपना ज़रूर चेंज करूँगा, अच्छा फ़ोन लेना चाहूँगा। अगर जल्दी से मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, आई वी आर सब्सक्राइब प्लस और 4000 घंटा हो जाएगा, तो आप लोग जल्दी से कीजिए ताकि मैं दूसरा फ़ोन ले लूँ और अच्छे से अच्छा मैं आपको कंटेंट वीडियो बना कर देता रहूँ। तो आप लोग डरिए मत, आप बिंदास नए यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं और ब्लॉगिंग कर सकते हैं। शुरू शुरू में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो सामना कीजिए, डरने की क्या बात है। बाकी आप लोग को सपोर्ट मिलता रहेगा, बहुत ज़िंदगी में जो है कि लाइफ में ऐसे चीज़ें होती है जो है कि थोड़ा मुश्किल होना होता है करना। और अपना जो है कि देश इतना बड़ा देश है, अगर इसमें 25% लोग आपको सपोर्ट करते हैं, अगर एक एक मिनट दो दो मिनट आपका वीडियो देखे और शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे, तो आप ऐसे ही यूट्यूबर पर बड़ा आदमी बन सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, एक ना एक दिन आपका चैनल जरूर ग्रो होगा, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, मेरा भी चैनल जरूर ग्रो होगा, लगा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। और बीच बीच में मैं टाइम निकाल कर अपना वीडियो भी बना रहा हूँ, मैं काम भी करता हूँ। अगर मैं काम छोड़ दूँ तो फिर मेरा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, घर का खर्चा, अपना खर्चा, फिर नेट का, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही नेट लगता है यहाँ पर, नेट काफ़ी महंगा नेट है मेरे पास, जो कि आप लोग को मैं बता दूं कि यहाँ पे इंडिया मनी लगभग 750 रुपये का 1.3 GB नेट मिलता है। तो बताइए उसमें नेट को कैसे आदमी काम करें, उतना नेट में अपलोड करने में वीडियो को 400-500 MB लगता है, तो मेरा बहुत काफ़ी खर्चा हो रहा है। तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिए, और मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।